that is the first year. And what is this acronym? Impact. It's a better put. Inter, MMS, and PG. That is IM across the ground. And what was that in the ground? Practicing. It was in 2002, June, we shifted this particular Matunga campus. And since then it is across, as I call it in Tendulkar style, Katte Che Us Paar. So on this occasion, I wish all the best to all the 10 teams which are participating in this year's tournament. All the best once again, and welcome Govinda Chetri. पूरी दुनिया देख चुकी है ट्रेलर, तूने कैसे नहीं देखा अब तक? तुम लोग नहीं देखा क्या ट्रेलर? तू अकेली ऐसा जिसने ट्रेलर देखा नहीं, तो तेरे लिए अभी स्पेशली गोविंदा सर के सामने तेरे लिए ट्रेलर दिखा दे। चलो 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 चलो। आदरणीय टेंडुलकर जी प्रणाम, और यहाँ पे आए हुए साथ में बहुत अच्छे, हाँ वीडियो हो है तो अच्छे, आपका माइक ठीक से चल नहीं रहा है। पॉलिटिक्स से निकल गया हूं, फिर भी होता रहता है। हम लोग यहाँ पे जिस वक्त हम लोग गांव में हुआ करते थे, मैं क्षमा मांग के कहना चाहता हूँ टेंडुलकर साहब, हम लोग बहुत खुशाई करते थे प्राध्यापकों की, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स उस तरह से नहीं थे पढ़ाई लिखाई में, परंतु मुझे ये समझाया गया था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय सुसद गुरुदेवाय नमः। तो गुरु जो है माँ बाप, देवता देवी, इनके पाश्चात जो है वो गुरु है। तो मुझे ये ज्यादा समझ में इसलिए आया कि मैं कभी भी बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं था, मतलब कि बीमार रहा करता था उन दिनों, और मुझे उन दिनों मिर्गी की बीमारी थी तो बेहोश हो जाता था, वहीं गिर जाता था, डर लगता था कि ट्रेन में लटकते लटकते तो कहीं मिल गया, नहीं तो कहीं गिर गया, तो रास्ते पे गिर गया, तो टेरिस पे चढ़ा वहाँ से गिर गया, तो साइकिल चला रहा वहाँ से गिर गया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो घबराहट वाली होती थी उस जमाने में मम्मी को सताया करती थी। तो मुझे ज़िंदगी में ये कहा गया कि गोविंद तुम्हें ये बहुत सारी तकलीफें हैं, तुम बहुत कमज़ोर हो, वीक हो, मैं तुम्हें ईश्वरीय प्रार्थना में जो दैवी कृपाएं होती है मैं उसको तुम्हें उसका नज़ारा निकालना चाहती हूँ, उसका नज़ारा देखो तुम इस बिहार। तो मुझे कहा कि मैं 24 लाख गायत्री मंत्र पढ़ा करूँ, तो मैं 3 घंटा रोज पूजा प्रार्थना में लगा रहता था, और मेरे स्टूडेंट्स से साथ में जो दोस्त थे
वो और साथ में जितने प्राध्यापक थे वो कहा करते थे क्या भगवान आके लिखने वाला है क्या तेरा लगता है पेपर। तो बहरहाल मैं कभी फेल भी नहीं हुआ और फ्लॉप भी नहीं हुआ, ये उत्तम वाले ने मुझे बहुत कृपा की। फिर मुझे याद रहने लग गया मेरी हेल्थ, बहुत ज्यादा लोग जो सोचा करते थे जिस तरह से वैसे कभी खराब नहीं हुई, मैं सुंदर लग रहा था लोगों को, लोगों को लग रहा था इस आदमी में इतनी शक्ति कहां से आ गई। तो शक्ति उस वक्त वहीं से मिला करती है जिसकी आप प्रार्थना करते हैं।